जी सर मेरा नाम गौतम है, मैं लड़के का मामा हूँ साहिल वर्मा का, जो 27 फरवरी से मिसिंग है। और हमें कॉल आता है उनका, जैसे आप सभी को बताया है, मीडिया में पहले भी आया है कि 29 को इनको कॉल आता है वो मिसिंग है। उसके बाद कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन जो है उनकी तरफ से यही बोला जा रहा है मिसिंग। अभी रिसेंटली फैमिली के साथ हम मुंबई गए थे और वहाँ पे लोकल पुलिस जो थी, येलो गेट पुलिस स्टेशन मुंबई, वो हमारे साथ थी। और साथ में जी अपने जो अपने सीओ थे शिप के, INS कोची के, तो उनसे मिलवाया गया। और शिप में जो 7-8 जो पॉइंट्स थे वो हमें दिखाए गए, हालांकि पूरी शिप को हमें नहीं दिखाया गया। और वहाँ पे जो उनका जो कहना था कि आप हमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप हमारे साथ क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। और जो पुलिस थी वो हमें कह रही थी आप जंपिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया। और उनकी तरफ से जो हमें स्टेटमेंट्स आई थी, रजनीश दलाल जो शिप के कैप्टन थे, 26 और 27 मॉर्निंग को वो मिस हुआ। 27 को सुबह 6:30-7:30 दो लोगों को देखा गया, और सही वक्त हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। और उन्होंने कहा कि 9 बजे वो नहीं था जब मस्टर कॉलिंग हुआ। फिर हमने ढूंढा हर जगह, और उसकी ड्यूटी जो थी वो शिप के अंदर रहती थी और शिप के बाहर उसका ड्यूटी नहीं था। हमने 30,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसको फाइंड आउट किया। 633 रूम्स जो थे वो शिप के अंदर थे, हालांकि हमें तो वो कुछ पॉइंट्स दिखाए गए जहां वो सोता था, खाता था, पीता था, जहां पे ड्यूटी थी। और फिर उनका ये भी कहना था एक स्टेटमेंट में, कुछ और चीज़ निकल कर आ जाए अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इस चीज़ का हमें नहीं पता कि उस स्टेटमेंट का उनका क्या मतलब था। आगे उन्होंने बोला कि 26 रात को खाना खाया, और एक फ्रेंड था रोहित जम्मू से, 8 बजे। उसके बाद सुबह नवदीप लड़का है उसको दिखा है, और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मेंबर की ये स्टेटमेंट है कि जब वो दिखा नवदीप को 6:15 बजे, तो उसने वहाँ पे शिप के फोटोग्राफर के बारे में पूछा, वी डोंट नो क्यों पूछा। फिर वो दूसरे लड़के को, उनकी स्टेटमेंट में ये आता है कि दूसरा लड़का जो अक्षत वो हमें दिखाया गया, वो बोलता है कि वॉशरूम में दिखा है हमें 7 बजे, तो डांगरी वाला यूनिफॉर्म पहना था। उसके बाद सर इनका जो कुछ 2-3 और पॉइंट्स से वॉशरूम वगैरह वो दिखाया गया, आफ्टर वॉक एरिया जो होता है, एंड फिर लेंथ वगैरह, बिड्थ वगैरह बताई गई कितनी है शिप की कितनी नहीं। फिर उनका ये कहना था कि रात के अंधेरे में अगर कोई चीज़ हो तो वो नहीं दिखती है, लेकिन अगर सुबह हो तो दिख जाती है। फिर हमारा यही सवाल है कि अगर दिख जाती है तो वो दिखनी चाहिए थी, दिखी क्यों नहीं। इंक्वायरी बैठी हुई है, 15 दिन का टाइम होता है उसका, लेकिन उनका कहना है कि वो इंक्वायरी जो है वो एक महीने तक भी वो एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद जब हमारी बात हुई बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मेंबर से, उन्होंने इंडिविजुअली हमारे फैमिली में सोहन जी, सुहास जी, उनके पिताजी और मैं मामा जी, हम साथ में थे। और जब हमने उनको क्वेश्चन किया कि भाई हमारा बेटा जो है, रिपोर्ट उसकी बताई जाए, हमारा पहला क्वेश्चन था किन परिस्थितियों में गुम हुआ, उनकी तरफ से आंसर था इस बात का हम क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते, कंक्लूजन नहीं निकला। दूसरा, रिपोर्ट लेट क्यों दी गई थाने में, देन उनका कहना था जहाज सर्च कर रहा था, नेवी का प्रोसीजर है। एक घंटे के अंदर कैसे मिस हुआ, की तरफ से कहना था डिस्ट्रॉयर में प्रोटेक्शन सिस्टम गलती से सेल आउट कोई हो जाए, ओपनिंग कम है, नेट लगे हुए हैं। अप्रोप्रिएट जो हमारे आंसर थे यस या नो में वो नहीं दिए गए, हर आंसर हर क्वेश्चन में हमें घुमाया गया। और फोल प्ले का लगता है हमारे बच्चे के साथ फोल प्ले हुआ है, अभी तक 20 दिन हो गए हैं, उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं है। और यही कह रहे थे कि हम अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। तो 20 दिन हो गए आज उनको सर्च करते हुए, आज तक हमारे बच्चे का पता नहीं है। ये भी कहना था कि जब हमने एक क्वेश्चन पूछा कि एक ऑन लीव जो अंडर लॉ बात नहीं कर सकता, उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही थी, उनका कहना था यूनिट में DPSC होता है, डिप्लॉयड पर्सनल स्पोर्ट सेल होता है, तो टीम ऑफ ऑफिसर्स और सेलर्स होती है जो कि बात कर सकती है। देन उनकी तरफ से ये आता है कि हमने 6 शिप जो है वो लगाए गए थे रिटर्न में, वी डोंट नो कि रिटर्न में था कि नहीं था,
उन्होंने बोला शेयरशिप लगाए गए थे, एयरक्राफ्ट ड्रोन लगाए गए थे, तो फिर अगर